नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सादा माटा द सिंपल रेसिपी विद देसी तड़का बाय मीरा में। आइए आज हम बनाते हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम है चाउमीन पकोड़ा। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स जो भी चाहिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे मैंने सारे डिटेलिंग्स दे दिए हैं। ये मैंने 4 लोगों के लिए बताया है, पर बनाते वक्त मैंने 8 से 10 लोगों के लिए बनाया है क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे। तो चलिए पहले चाउमीन पकौड़ा बनाने के लिए हम पानी गर्म कर देते हैं ताकि चाउमीन को हम बॉयल कर सकें। 2 चाउमीन मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ये 200 ग्राम्स के करीब है। सॉल्ट और ऑयल दे देते हैं ताकि ये जल्दी पक जाए और ये एक दूसरे से चिपके नहीं। बस अब गैस ऑफ करके इसको ढक के रख देते हैं। 2 मिनट बाद हम खोल के देखेंगे, देखिए अच्छी तरह से पक गया है। अब इससे पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं, ठंडे पानी से फिर अच्छी तरह से धो लेते हैं ताकि ये किसी भी तरह से स्टिक ना करें। अब पोटैटो ले लेते हैं हम। पोटैटो को हमने बॉयल कर लिया है, हमने अब ऑल पर्पस फ्लावर और कॉर्न फ्लावर को मिक्स करके रखा है। प्याज ले लेते हैं, प्याज को बारीक से कट कर दिया है हमने। ग्रीन चिल्ली बारीक कटी हुई है हमारी। टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, क्यूमिन पाउडर और रोस्टेड क्यूमिन पाउडर हमने मसाले के लिए लिया है, और मैगी मसाला और चाउमीन मसाला यहाँ पे लिया हुआ है, ये दोनों ऑप्शनल हैं। और लिया है बॉयल चाउमीन जो हमने अभी तैयार किया। एक एग ले लिया है और ब्लैक पेपर ले लिया है हमने, और लिया है एक टमाटो बारीक कटी हुई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सारे मसालों को एक साथ मिला देते हैं। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे ली हैं इन सब को हम अच्छी तरह से मिला के हम अपने पोटैटो को स्मैश कर लेंगे और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम बना लेते हैं, एकदम सॉफ्ट हमें बनाना है। अब चाउमीन ले लेते हैं, चाउमीन को भी इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से चाउमीन को मिक्स करना है। देखिए चाउमीन हमारा पूरा अलग अलग से दिख रहा है, कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम फ्लावर ले लेंगे, 2 चम्मच के करीब हमने फ्लावर ले लिया है। देखिए अब इसके बॉल्स बना लेंगे, बॉल्स बन रहे हैं तो रेडी है। अब चलिए इसको हम फ्लैट बॉल्स बना लेते हैं। फ्लैट बॉल्स हमें बहुत ही फ्लैट पतला बनाना है, नहीं तो ये पकेंगे नहीं अंदर से। अब बॉयल फ्राई करने के लिए हम ले लेते हैं एग। एग में हम सॉल्ट और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर दे देंगे और इसको अच्छी तरह से हम फेंट के रेडी करके रखेंगे। लीजिए रेडी है। अब हम तैयार कर लेते हैं हमारे ब्रेड क्रम्स। लीजिए हमारे ब्रेड क्रम्स भी रेडी हैं। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम पहले गैस को जला लेते हैं और अपने तवे को बिठा के गर्म कर लेते हैं। तवे में ऑयल देते हैं। दोस्तों आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम अपने बॉल्स को लेके फ्राई करने को देंगे, पहले एग में, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में, फिर हम फ्राई करने के लिए दे रहे हैं हमारे तवे पे। एक साइड हो गया है, दूसरी साइड को फ्लिप कर देते हैं। दोनों साइड अच्छी तरह से पक जाए तो हम इसको निकाल देंगे। अब देख लेते हैं दूसरी साइड पका है या नहीं। दूसरी साइड पक चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए इजी ब्रेड पकौड़ा, इसी तरह से हम अपने बाकी पकौड़ों को भी बना लेते हैं। मैं एक एक करके अपने सारे पकौड़ों को बना ले रही हूँ। लीजिए रेडी है। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं तवे से। टिश्यू पेपर पे मैंने निकाला है ताकि एक्सेस ऑयल सोख हो जाए। लीजिए रेडी है चाउमीन पकोड़े। आप भी बनाइए अपने घर पे और अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बताइए। आपको अच्छा लगा हो हमारा रेसिपी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिए। हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।